फरीदाबाद हरिविहार कॉलोनी के रहने वाले 25 वर्षीय पिंटू नाम के व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल के सामने जमकर हंगामा किया। परिवार के लोगों का आरोप है कि एक्सीडेंट के चलते निजी अस्पताल में पिंटू को भर्ती कराया था। रात को 12 बजे तक पिंटू पूरी तरीके से ठीक था। एक्सीडेंट में सिर्फ उसे छोटी मोटी चोटें आई थी, परंतु अस्पताल में रात के समय अस्पताल प्रशासन द्वारा गलत दवाई दे दी, इसके चलते पिंटू की मौत हो गई। फिलहाल परिवार के लोग अस्पताल पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में रोते बिलखते नजर आ रहे यह वही मृतक पिंटू के परिजन हैं, जिनके 25 वर्ष के बेटे पिंटू की निजी अस्पताल में लापरवाही के चलते मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोगों का आरोप है प्रशासन की लापरवाही के कारण उनके बेटे की जान चली गई। और क्या कहना है परिजनों का, आइए जानते हैं पाइनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। एक्सीडेंट है। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ है। जो ये लड़का बोल रहा है वही बात बिल्कुल। अस्पताल में क्या हुआ? अस्पताल में इन्होंने लापरवाही करी, ना है कोई डांग धन नहीं, वैसे उल्टी सूझी इंजेक्शन जाने नहीं कुछ नहीं। हमें यहाँ ये पहले मने कर देते केस लेने से पहले हमारे लाख केस ऐसे केस भी ना कोई फ्रैक्चर हो जाओ लड़का और ऐसा हो गया। हाँ, आपके सामने तो क्या चाहते हैं? अब लड़का गया सही आपके सामने, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते ये हॉस्पिटल नहीं है, ये बंद हो रहा है। कल सवेरे अपने ससुराल गया हुआ की बहू चली गई 10-12 दिन पहले, यहाँ है ससुराल आदर्श नगर में। वो घर गया हो कच मेरे पैसा से उन्हें मांगने को गया हो, दादू तब मैं पीड़ा की होगी, देखो मैंने नहीं दी। उन्होंने पैसा मांगे हो, इन्होंने वापस वारदात करी है, जन हाथ चलाए हो, जन गरमान पकड़े हो, बहू ने भगाए हो, वो से आयो किसी की गाड़ी लई है, उसने मोटरसाइकिल दारू वारू पी है। मेरे घर पहुँचो ढूंढसा, मैं ढूंढसा में रहूँ अपने भाई के पास। कपड़ा लायो होते थैला भर रहो, आधार कार्ड पैन कार्ड लायो और ठीक आयो मेरे घर से पाम दे के राम राम करके और होते बढ़िया आयो। और जाके जन क्या हो भैया ठीक रिया के एक्सीडेंट हो, अब मुझे कोई पता ना। मैंने हो फोन करो ससुराल में तो उन्होंने बहू ने तो युलावत कही है, एक मैं जब आऊंगी मेरे को आके एक्सीडेंट है वो देखा, मैं जब आऊंगी जब मर जाएगा, ये बहू के लवज है मेरे। सास ने वो कही है एक मुझे फोन है मैं देखूंगी। इनके ढोरे एक अजय नाम का लड़का रहे, उसने मेरा लड़का मार लो, खुले खजाने बात है कि ये देखिए। अब इस अस्पताल का आरोप लगा रहे हैं कि भाई अस्पताल का लगायो जिंदो आयो, जिंदो आयो बढ़िया अस्पताल बोल लो 4 बजे तक डॉक्टर आया नहीं है, लेडीज कही है नर्स, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर आम ना हो पैसा ले लिए रात। कितने पैसे ले लिए? मुझे नहीं है पता, इन्हें पता ये आए बाबा। अच्छा, दिल्ली को रेफर करते थे, कितना रुपए ले लिए थे उसने? ये मुझे अब मतलब आरोप लगा रहे हैं मतलब इन्होंने खत्म किया। इन्होंने 4 बजे तक सही बोल लो पानी मांगा, सही बोल लो, कोई डांगल नहीं आया इसका। क्या चाहते हैं आप? चाहे हैं एक बालक तो मेरे गायो, अब ये चाहते हैं कि इनको सजा होनी। मेरा नाम है शीला देवी। क्या हुआ है, किस बात के लिए हंगामा कर रहे हैं? हंगामा ये कर रही थी, हमारे बेटा का एक्सीडेंट हुआ था सीकरी पे, वहाँ से पुलिस लाई लड़का को सरकारी हॉस्पिटल, उन्होंने बोल दिया बीके के लिए, बीके हम नहीं ले गए प्राइवेट में ले आए, यहाँ ला करके हमने लड़का भर्ती कर दिया। उसके यहाँ पे पसली पे फ्रैक्चर था, कोई ज्यादा ऐसी गंभीर चोट नहीं थी, अगर ज्यादा थी तो इनको हमें बताना चाहिए था, रेफर करना चाहिए था कहीं और के लिए, हम वहाँ ले जाते। लेकिन हमारा लड़का बोल रहा था चाल रहा था इनकी दवाई की लापरवाही से, डॉक्टर नहीं था कंप्यूटर थे वो छोटे मोटे जो बीपी चेक करते, दवाई गलत देने के कारण हमारे बेटा की मौत हो गई। कब हुआ था ये हादसा? और कल 10 बजे, 9:30 बजे, 10-11 बजे नहीं आने आए कल रात को या सुबह? सुबह मॉर्निंग में। हाँ जी, मृत्यु कब हुई है? मृत्यु तो रात को हुई है, जब कै बजे हम लोग तो 3-4 बजे फोन गए हो। हाँ, बताया गया घर पर, जो लड़का था नितिन भाटी था उसके साथ, जो लाश के साथ गया है।
पीछे। आप ये कह रहे हैं कि इनकी लापरवाही से हमें न्याय मिलना चाहिए, हॉस्पिटल सील होना चाहिए, नहीं तो हम धरना धर देंगे। 25 साल, शादी है, बच्चा नहीं है एक भी। क्या हुआ है आपके लड़के से? कुछ पापा हुआ था, यहाँ लापरवाही थी, इसलिए डॉक्टर को मिला नहीं। ये जो रात की ड्यूटी में थे उनको बुलाओ। एक्सीडेंट हुआ था उसका? एक्सीडेंट तो हुआ था, पता नहीं ये कौन लड़का था, मुझे नहीं है। अच्छा, सिर्फ के आस पास हुआ, मोटरसाइकिल पे आप था, आगे का नहीं, कौन सी गाड़ी से हुआ है। तो आपको मतलब पता चल गया तुम्हारा बेटा एक्सपायर हो गया? 4:30 घर में। अच्छा, यही पता लगी कल 10 बजे का एक्सीडेंट हुआ। कहाँ ड्यूटी करता था? कहीं भी नहीं ड्यूटी नहीं करता था वो, नहीं टेम्पू चला रहे हो तो। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसके अस्पताल की लापरवाही से हुआ है? खाली लापरवाही थे, यहाँ डॉक्टर ही नहीं। क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहिए, सील, हॉस्पिटल सील होना चाहिए। न्याय सही है, हॉस्पिटल सील है जाए, हम रहने वाले हैं, हमें पूछ लो।